आज विश्व पर्यावरण दिवस पर शहर में नगर निगम सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। पाँच जून को पर्यावरण दिवस से पौधारोपण शुरू किया गया है के बाद हरियाली अमावस पर 1,25,000 पौधे रोपने का लक्ष्य है। शहर को हरा भरा बनाए रखने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर निगम के सहयोग से शहर में कई जगह पर पौधारोपण किया गया। आज सुबह जिला चिकित्सालय नगर निगम तथा उज्जैन वाले ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में आगर रोड स्थित चरक भवन के हर्बल गार्डन में पौधारोपण किया गया। वहीं दूसरी ओर भारत विकास परिषद सांदीपनी द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में भी पौधे रोपे गए। इसके साथ ही वसंत विहार कॉलोनी, विद्यापति नगर, शहीद पार्क जैसे स्थानों पर भी आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया गया। देखिए, देखभाल तो अगर मैं बात करूँ, बचपन से ही पेड़ पौधों के बीच ही बड़ी हुई, और जब से विवाह हुआ और इस घर में आई तो बिना पेड़ पौधे के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस हर फ्लोर पे बहुत सारे पौधे में लगाती गई। आज का जो युग है वो पूरा मोबाइल इंटरनेट का युग हो गया है। हमारे बच्चे भी पूरा टाइम मोबाइल में रहते हैं। प्रकृति से अगर आप जुड़ेंगे तो जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं, आप अगर इनकी सेवा करेंगे तो आपकी हीलिंग अपने आप हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके सानिध्य में रहना चाहिए। हम लोग अस्पताल में सब कार्यक्रम करते रहते पर्यावरण से संबंधित। अभी 2021 से राष्ट्रीय स्तर से इको फ्रेंडली अस्पताल की थीम आई है, उससे संदर्भ में हम लोग बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम और अपने जिला चिकित्सालय CMHO साहब हैं साथ में, और सभी विभिन्न ग्रुप जो हैं अपने उज्जैन के जो पर्यावरण के ऊपर काम करते हैं और इंदौर से भी आए हुए ग्रुप्स हैं, तो उन सभी ने मिलकर यहाँ चरक हॉस्पिटल में हर्बल वाटिका जो है इसमें पौधारोपण का कार्य किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में चरक अस्पताल उज्जैन में वी केयर संस्था और उज्जैन वाले ग्रुप के संयुक्त प्रयासों से लगभग 150 पौधों का पौधारोपण यहाँ पर हम लोगों के द्वारा किया गया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम पौधारोपण का कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर के अंदर कर रहे हैं। वैसे हमारा पौधारोपण का जो कार्यक्रम होता है, ये हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है जिसको हम सतत करते हैं। आपने देखा होगा कि पूरे उज्जैन शहर में पौधारोपण और ट्री गार्ड हमारे भारत विकास संगठन के नाम से लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ मेन एरिया है वहाँ पर हमारे सारे ट्री गार्ड से, और हम सतत इसको सिंचित भी करते रहते हैं और निगरानी भी रखते हैं कि केवल पौधा लगा के इतने से नहीं हो जाए, और इसमें हम देखते हैं कि पौधा बढ़ रहा है कि नहीं, और उसमें खाद और पानी की व्यवस्था भरपूर करते हैं। पौधारोपण तो भारत विकास परिषद का एक मूल मंत्र है, और जब से भारत विकास परिषद का गठन हुआ है संपूर्ण राष्ट्र में भारत विकास परिषद पौधारोपण और वृक्षारोपण का काम करती है। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कि बड़े वृक्ष इस एरिया में नहीं है, तो हम लोग क्योंकि पौधे हमको ऑक्सीजन भी देते हैं और पर्यावरण के लिए बहुत अति आवश्यक होते हैं, इस कारण हम लोगों को ये टारगेट है कि यहाँ पर हम लोग वृक्ष लगाएं, और उनका केवल लगाएं ही नहीं, उनका हम लोग आगे मेंटेन भी करें, उसको पनपने में भी उसका सहायता करें, ये हम लोगों का लक्ष्य है। हम सब सेव सॉइल मूवमेंट, मिट्टी बचाओ अभियान के साथ जुड़े हैं, और आज इसी उपलक्ष्य में, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, हम सब लोग यहाँ पर एक रैली के लिए एकत्रित हुए थे। हम सब लोगों ने शहीद पार्क से रैली शुरू करके यहीं पे इसका कार्यक्रम का मंचन किया था। इस रैली का मुख्य उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना। हमारी मिट्टी धीरे धीरे मर रही है, 52% हमारी जो कृषि भूमि है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। तो आज अगर हम लोगों ने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो आगे चलकर हम अपनी भावी पीढ़ी को एक उज्ज्वल भविष्य नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने ये रैली का आयोजन किया था। तो आज विश्व पर्यावरण के दिवस पर हम लोगों ने एक रैली आयोजित की थी मिट्टी बचाओ अभियान के तहत। इसमें हम लोगों तक को जागरूक कर रहे हैं हमारी मिट्टी की अवस्था के प्रति, क्योंकि अभी कई सालों से हमने जो केमिकल और पेस्टिसाइड का यूज़ किया है उसकी वजह से हमारी मिट्टी की गुणवत्ता काफ़ी गिर गई है, और हमारी मिट्टी काफ़ी ठोस और बंजर होती जा रही है, और उसी को वापस से पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमें जागना चाहिए इसके प्रति। सेव सॉइल, मिट्टी बचाओ, सेव सॉइल।